नेमावर के बाल मुकुंद आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने जन्मोत्सव का आनंद लिया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए व्यासपीठ गया के पीठाधीश्वर स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज ने कहा कि कर्म ऐसे करो कि भगवान तुम्हें याद करें। कर्म पूजा नहीं, पूज्य है। कर्म को जब तक संपादित नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज ने कहा कि विकार नेत्रों से ही प्रवेश करता है, इसलिए दृष्टि हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कहा कि आज की भागवत कथा अलौकिक है, ये भगवान से जोड़ने वाली कथा है, इस तरह के आयोजन यहाँ होना चाहिए। भगवान कथा का रसपान करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यह कहते हैं कि गुरुदेव के दर्शन सौभाग्य से होते हैं, और जब सौभाग्य मिलते हैं तो गुरुदेव के दर्शन और माँ नर्मदा के दर्शन एक साथ होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमने आज गुरु महाराज के द्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रम में, अभी आज नंदोत्सव था, भगवान का जन्मोत्सव था, तो खूब आनंद लिया सबने, खूब नाचे, खूब गाए, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। और अब कल और परसों दो रोज का कार्यक्रम और है, तो 8 तारीख का जो मुख्य आयोजन है उसमें आपको बता दूं, मैं दिन में कृष्ण भगवान और रुक्मणी का विवाह है, शाम को 8 बजे से विशेष आयोजन हो रहा है जिसमें गोदा उत्सव का आयोजन होगा। आज पीठाधीश्वर श्री गया जी पीठाधीश्वर स्वामी जी सरकार के मुखारविंद से जो हमने सुनी और सभी भक्तों ने इसका लाभ लिया, बहुत ही आनंद आया। आज कृष्ण जन्म का उत्सव हम सभी ने मिलकर मनाया, और ऐसा ही उत्सव हमेशा नेमावर में मनता रहे, यही भगवान बालाजी से प्रार्थना करते हैं। वही गायक द्वारका मंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमने अपनी प्रस्तुति दी, हमें ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। 8 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में दिन में कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह है, इसके बाद रात को होने वाले कार्यक्रम में कृष्ण भगवान और गोदाम्बा मैया की शादी का उत्सव है जिसमें हमें अपनी प्रस्तुति देनी है। गायक द्वारका प्रसाद ने कहा कि 8 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सब लोग आयोजन से जुड़े हुए हैं और आज चौथा दिन था, आज भगवान का जन्मदिन भी था और साथ में नंद उत्सव भी था। हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र से, मतलब कन्नौज, कांटाफोड़, लोहारदा, सतवास, देवास और इंदौर, सब दूर से जो स्वामी जी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी के जो भक्त लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज आनंद खूब मनाया, और साथ ही अब लगातार 3 दिन और कथा चलेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।